नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एच डी न्यूज। देखिए, एसटीईटी अपेयरिंग अभ्यर्थी लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से TR3 की बहाली लाई गई है, इस बहाली में उन लोगों की मांग है कि अपेयरिंग को भी मौका दिया जाए, जिस प्रकार से TR1 में अपेयरिंग वालों को मौका दिया गया था। साथ ही उन लोगों का यह भी कहना है कि बड़े बड़े जो परीक्षाएं होती है, चाहे NDA की परीक्षा की बात करें या फिर कोई और बड़े परीक्षाओं की बात करें, सभी में अपेयरिंग को मौका मिलता है, तो फिर हम शिक्षकों को क्यों नहीं मिल सकता। इसी को लेकर कल सम्राट चौधरी के गांधी मैदान के पास एक कार्यक्रम से लौटने के दरमियान एसटीईटी अभ्यर्थियों ने उनकी गाड़ी को रोका और उसके बाद एक अभ्यर्थी जो थी वो गाड़ी के सामने कूद भी गई थी। तो ऐसे में सम्राट चौधरी गाड़ी से उतरकर उन लोगों से मिले और सभी को आश्वस्त किया कि आपकी बातों को हम सुनेंगे, सरकार से बातचीत करेंगे इस पूरे मामले पर। लेकिन जो अभ्यर्थी है वो आश्वस्त नहीं। ऐसे में अभ्यर्थी आज फिर बीजेपी कार्यालय के पास पहुंचे थे और वहां फिर से सम्राट चौधरी से बातचीत करने का प्रयास किया गया और आज फिर सम्राट चौधरी ने उन्हें आश्वस्त किया है कि आज शाम को हम नीतीश कुमार से बातचीत करते हैं। इन्हीं सही मुद्दों पर हमने बातचीत किया एक अभ्यर्थी से, क्या कुछ वो कह रहा है जरा सुनिए। अपेयरिंग 2023 में फॉर्म अप्लाई हो चुका है, BPSC 3rd में बैठने को मांग कर रहे हैं कि हम लोग स्टेट अपेयरिंग को उसमें शामिल करके आप मेरे फॉर्म भरने को उसमें मौका दिया जाए। ठीक है, जैसे आपने सीटेट अपेयरिंग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपेयरिंग के तौर पे मौका दिया था, वैसे ही BPSC 3rd में आप स्टेट को भी मौका दीजिए। ठीक है, क्योंकि BEd स्टूडेंट ही जब पात्रता एग्जाम नहीं होगा तो कैसे बैठेगा। STET का जो है फॉर्म दिसंबर 2023 में ही भरा लिया गया था, अभी तक उसका एग्जाम नहीं कंडक्ट हुआ है। ये सरकार की गलती है, BSV की गलती है, शिक्षा विभाग की गलती है। आपने STET पहले क्यों नहीं लिया। हम लोग तो अगस्त समझ के तैयारी कर रहे थे, अगस्त का बज्जर आप मार्चे में गिरा दिए हम लोग पे, तैयारी नहीं कर रहे हैं। बार बार 10 दिन से रोड पे घूम रहे हैं हम लोग, विजय चौधरी से, अशोक चौधरी से और सम्राट जी जो चौधरी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री, 5-5 बार मिल चुके हैं। प्लीज़ सर, आप इस पे एक्शन लीजिए और हमारी बातों को सरकार तक पहुँचाइए। UPSC इंडिया का टॉप मोस्ट एग्जाम है, उसमें अपेयरिंग को मौका दिया जाता है, NDO को मौका दिया जाता है, वैसे ही आप भी BEd को, स्टेट को अपेयरिंग के तौर पे मौका दे दीजिए। अपेयरिंग रहे नहीं, आप लोग हमको अपेयरिंग बना दिए हैं, आपको जल्द से जल्द इस पे एक्शन लेना होगा। बस अभी आश्वासन दिए हैं, अभी कल रात में 9 बजे भी मुलाकात किए थे 5 सदस्य, हम लोग बोले थे कि हम CM से बात कर रहे हैं, इस पे विचार चल रहा है, अभी भी फिर मिले हैं। बार बार उसको कानों में डाल रहे हैं कि आप जल्दी से CM सर के पास बातों को रखें कि जल्द से जल्द परसों 26 तारीख को लास्ट डेट है BPSC 3rd का फॉर्म भरने को, आप उसमें मौका दीजिए सर प्लीज़। 4 लाख स्टूडेंट इससे वंचित है। सुना आपने किस प्रकार से वो कह रहा है कि हम लोग लगातार लंबे समय से मांग कर रहे हैं लेकिन हमें मौका नहीं दिया जा रहा है, जबकि कई अन्य परीक्षाओं में जो अपेयरिंग अभ्यर्थी होते हैं उनको मौका मिलता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जरूर रहेगा द एच डी न्यूज के साथ। धन्यवाद।